हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी RS 135 का हेडलाइट पे मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो हेडलाइट मैंने चेंज किया है, आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा वाला हेडलाइट आपको दिख रहा होगा। तो RS का जो ओरिजिनल जो हेडलाइट आता है वो इतना एक्चुअली इतना सा छोटा सा आता है, और उसकी लाइट भी एक्चुअली ठीक ठाक नहीं आती है। उसका रिफ्लेक्टर भी ख़राब हो गया था, जो मेरे पास जो लगा हुआ था उसका रिफ्लेक्टर पूरा ख़राब हो गया था, तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा बड़ा वाला साइज़ है ये, और ये है ना, ये एक्चुअली बॉक्सर का है। इसका बल्ब भी आप देखेंगे ना, तो बल्ब भी काफ़ी अलग है। ये BA20D करके कुछ मॉडल नंबर आता बोलते हैं इसको, तो ये वो बल्ब है। ये पुराने पल्सर में भी आता था ऐसे वाले बल्ब, तो वो वाला हेडलाइट है ये। तो पुराना पल्सर जो वाला जो आता है ना, वो इससे एक्चुअली बड़ा आता है। तो ये मीडियम साइज़ है, मतलब ये बोल सकते हैं RX से बड़ा है और पल्सर से छोटा है। पल्सर वाला इससे भी बड़ा आता है, थोड़ा सा इससे बड़ा आता है। ये बॉक्सर वाला हेडलाइट है ये, और ये ओरिजिनल सेम कंपनी का है। और ये मुझे एक्चुअली स्क्रैप से मिला था, 150 का लिया था ये। सेम मैंने एक बार है ना शाइन में लगाया था, इसके अंदर मैंने LED हेडलाइट फिट किया था, मैंने शाइन में भी मैंने लगाया था। तो इसका थ्रो बहुत अच्छा थ्रो है। लेकिन फ़िलहाल जो ये जो RX है, इसका जो इंजन है, इसका जो लाइटनिंग कॉइल है, इसकी जो पावर है ना गाड़ी के हिसाब से, पावर के हिसाब से इसका फोकस उतना ज़्यादा नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, जो RX में जो ओरिजिनल जो हेडलाइट जो लगे थे ना, उससे ज़्यादा ये फोकस अभी फ़िलहाल दे रहा है। ठीक है, तो इसका मैं आपको नाइट व्यू में आपको बताऊंगा ये कैसा देता है। तो ये एक्चुअली क्या पूरा काम चल रहा था, इसलिए मैंने पूरा ये चेंज कर दिया। ये देखेंगे इसका डोम, देखिए पीछे से काफ़ी बड़ा डोम है ये। जो ओरिजिनल RX का जो डोम आता है वो छोटा आता है, उसका रिफ्लेक्टर भी छोटा आता है, इसका रिफ्लेक्टर काफ़ी बड़ा है। इसका रिफ्लेक्टर देखेंगे ना, थोड़ा सा डीप गया हुआ, अंदर तक गया हुआ है, और RS का रिफ्लेक्टर थोड़ा सा बाहर तक रहता है। तो इसका फोकस है ना काफ़ी अच्छा है। इसका मैं आपको एक नाइट में कितना थ्रो देता है वो मैं आपको बताऊँगा। ये प्रॉपर एकदम बहुत ज़्यादा थ्रो आपको नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसका जो इंजन का जो कॉइल का जो कैपेसिटी है ना, उतना ज़्यादा नहीं है जो अपनी अभी के गाड़ियों में जितना रहता है। तो वो हिसाब से ये लाइट जो है ना, थोड़ा सा कम पावर देगा। लेकिन मैं फ्यूचर में मैं इसके अंदर है ना, यही हेडलाइट डोम के अंदर मैं LED लगाने वाला हूँ। तो वो अभी आगे का प्लानिंग है, वो आगे उसका वीडियो आते रहेगा, तो मैं आपको उसका वीडियो करते रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है बॉक्सर की हेडलाइट है। आप ऐसा हेडलाइट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। लेकिन पल्सर वाला अगर आप लेंगे ना, तो आपको ये फिर ये कान जो बोलते हैं इसको, ये ब्रैकेट आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट छोटा पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि पल्सर वाला जो होता है वो यहाँ पे फिट होता है। तो ये सब इंडिकेटर वगैरह फिटिंग बरोबर ठीक से नहीं हो पाएगा उसमें, वो आपको तभी ये चेंज करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैंने ये लगा दिया, क्योंकि मेरे पास ये स्पेयर में पड़ा था। तो ये देख लीजिए सामने से कैसे दिखाई देता है, ये सामने से ऐसी दिखती है, काफ़ी बड़ी है ये। ओके, मतलब जो RX में जो लग के आती है उससे काफ़ी बड़ी है। तभी मैं इसको इसका आपको मैं नाइट में फोकस कैसा दिखाता है, कैसे आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर बाद में हम लोग जो है इसके ऊपर बाद में आगे हम लोग LED की हेडलाइट भी इस पर लगाएंगे। तो ये ब्राइटनेस है नया वाला हेडलाइट का, जो RX में जो ओरिजिनल था वो नहीं है, दूसरा वाला अपना बॉक्सर का। इसका लाइट अभी देखिए, अभी फ़िलहाल अभी गाड़ी न्यूट्रल पे है, तो इसको भी रेस देता हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा लाइट दे रहा है ये वाला नया वाला हेडलाइट। ये लो बीम पे है, अभी मैं इसको हाई बीम ऑन करता हूँ। ये देखिए ये हाई बीम ऑन हो गया। तो जो पुरानी जो हेडलाइट थी उससे काफ़ी अच्छा दे रहा है फिर भी। अभी इसमें एक्चुअली मैं प्लानिंग है अपना LED लगाने के लिए, तो जो LED लगाऊंगा तो उसमें और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, तब तभी इंजन ना चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो ये हाई बीम था, मैं वापस इसको अभी लो बीम कर देता हूँ। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छी लाइट है लो बीम में, जो पुराने RX में जो लाइट आती थी उससे ज़्यादा अच्छी लाइट है ये। तो ये आप ऐसा लाइट आप चेंज कर सकते हैं, बॉक्सर का नहीं तो पल्सर का आप लगाएंगे ना, तो ज़्यादा लाइट आपको अच्छा देगा, उसका बल्ब भी आपको अच्छा देगा। और ये जो है 35 वाट का बल्ब है, जो ओरिजिनल आता है वो 25 वाट का होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको कुछ क्वेरी है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम ID भी नीचे दिया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल का, और ऐसे कुछ नए नए वीडियोस आते रहेंगे RX 135 पे।